KSN 24 पल पल की खबर। कटघोरा थाना अंतर्गत जड़गा चौकी क्षेत्र के ग्राम केसलपुर में बुधवार दोपहर एक महिला अंजनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अंजनी के ससुर सास व पति पर जान से मारने का आरोप लगाया है। मृतिका अंजनी के पिता ने बताया कि अंजनी की शादी 2018 में केसलपुर में हुई थी। शादी के बाद से अंजनी तथा उसके पति के बीच कुछ न कुछ बात पर विवाद होते रहता था, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने मिलकर उसको मार दिया है। मृतिका की पिता की माने तो मृत बेटी के गले के ऊपर का शरीर काला पड़ गया है और चोट का निशान भी है। मृत अंजनी के पति व ससुर का कहना है कि अंजनी पिछले कुछ दिनों से सर्दी बुखार व खांसी से बीमार थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल जड़गा चौकी पुलिस मामला दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम कर मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कौन है आपकी? वो मेरी लड़की है। क्या लगता है घटना कैसे हुई होगी? माने हत्या हो है खर। हत्या हुआ है? हाँ। कितने कब हुआ था शादी उनका विवाह? माने 2018 में। 2018 में। बच्चे अच्छे हैं? नहीं है। किस कारण से विवाद होता था? क्या लगता है आरोप मारे हैं? माने दमान है, बोले कि हम पति पत्नी का निरहन, इसे कह के बोले। तो पति पत्नी नहीं है तो हम कहें सौंप दे घर में, एमन पैसा लगा। किसके ऊपर से? माने हम तो तीनों जन के है, उसका माने मेरे लड़की का सास, उसका ससुर और उसका पति का। क्या कहाँ पे चोट का निशान दिख रहा है? निशान तो चेहरा में है, चेहरा में पूरा काला और यहाँ यहाँ काला का। उनके परिवार वालों का आरोप है कि सर्दी खांसी था, क्या लगता है? सर्दी खांसी तो माने हर आदमी लड़ा थे, हमूला है सर्दी खांसी। सर्दी खांसी में माने 4 घंटा में आदमी नहीं मर जाए। साढ़े 8 बजे रात के सोमवार का दिन शाम के 8:30 बजे रात के खाना बनाया बहू और हमको खिलाने पिलाने के लिए दिया और खाने पीने के बाद अपने अपने रूम में हम जो के सो गया। और सुबेरे उठा तो मैं कहें बहू कैसे नहीं उठ रहा है बेटा, तो जाओ देखो, तो तुम देखो मैं कैसे जाऊंगा। जाके देखा द्वार में बुलाया तो देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि ख़त्म है ऐसा टाइप का। मैं वहीं से घुस गया तहाँ सीधा सरपंच को इतला दे दिया, मैं कहें सरपंच साहब ऐसा ऐसे हुआ है, कोटवार को बुलाइए दर्ज करवाएंगे बस। तो आपकी पत्नी की क्या शिकायत है? सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत थी, उसको टेबलेट खाती थी वो। अच्छा, जो परिवार वालों का आरोप है आपने लोग मारे? तो नहीं है सर, बात भी बात होते थे, मारपीट नहीं, मारपीट नहीं हो रहे थे। गिरने से चोट आने से अस्पताल इलाज करने ले जाते समय उसकी मृत्यु हुई है, तो उस सूचना पर जो है मर्ग कायम करके और मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया है। अब उसमें जो भी मृत्यु पीएम रिपोर्ट में प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, प्रकरण जांच में लिया गया। परिवार वालों का आरोप? तो यदि जो परिवार वाले हैं अभी उनका कथन वगैरह हमारे सामने नहीं आया है, आ करके कथन दें, बयान दें और निश्चित तौर पे उसमें जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।